आपके साथ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ पिछले दिनों हुए बदसुलूकी के खिलाफ पूर्णिया रालोसपा इकाई ने एक दिनी धरना प्रदर्शन किया। शहर के थाना चौक में जिला अध्यक्ष नीरज मेहता की अगुवाई में रालोसपा ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कुछ अनजान शरारती तत्वों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बदसुलूकी करने व अभद्र बर्ताव के लिए किया गया। रालोसपा जिला अध्यक्ष ने कुशवाहा के लिए जेड सुरक्षा की मांग करते हुए इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना और विरोध मार्च है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो बदसुलूकी हुई है हाजीपुर में, एक मोतिहारी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनको जाना था, उसी क्रम में वहां पर कुछ शरारती लोगों के द्वारा उनको रोकने का काम किया गया, उनके ऊपर बदसुलूकी करने का काम किया गया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, संसद में हो या आम धरातल पर हो, उन्होंने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा के विषय में लड़ने का काम किया, अल्पसंख्यक के लिए लड़ने का काम किया। और यही कारण है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को उस दिन हाजीपुर में रोकने का काम किया कुछ सामंतों के द्वारा। यह निश्चित रूप से इसका हम पार्टी के सारे पूर्णिया जिला के साथियों के माध्यम से हम निंदा करते हैं।